और नमस्कार है। उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं आप सभी मेरे साथी सभी मेरे दोस्त खुश होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कार्य में, अपने अपनी जगह पे। कुछ दोस्त मेरे अभी लाइव मेरे साथ में कनेक्ट हो पाएंगे, इंस्टेंट विदाउट जानकारी के लाइव आया हूं। और कुछ मेरे दोस्त जो बाद में मेरी इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखेंगे और अपने अपने मैसेज के माध्यम से, अपने अपनी शुभकामनाओं के माध्यम से, जो सभी साथी आप मेरे को लगातार मुझे शुभकामनाएं देते हुए, आप जो मुझे अपना साथ, अपना प्यार और विश्वास दिखाते हो, इसी साथ, इसी प्यार, इसी विश्वास की बदौलत मैं हर दिन मार्केट में लगातार रोज़ ज़्यादा मेहनत कर पा रहा हूं दोस्तों, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और सदैव ही मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहे, यही मैं उम्मीद आप सभी से करता हूं और हमेशा मेरी यही उम्मीद आप सभी के बीच में रहेगी। सो, आज हम सभी के बीच में, आप सभी के बीच में मैं फिर कुछ जानकारी और फिर कुछ विचार लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरे इस लाइव पे भी, मेरे इन विचारों जानकारी पे भी आपका मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा साथ मिलेगा, बहुत सारा सहयोग मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज फिर आपके बीच में लाइव आया हूं। सबसे पहले आप सभी जैसा कि जानते हैं मैं अनिल कुरी बेसिकली रहने वाला, मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा जिला झज्जर से बिलोंग करता हूं। मेरा छोटा सा गाँव है, गाँव मुंदसा मेरा है, हरियाणा जिला झज्जर के अंदर। और बहुत दोस्तों मेरे से जुड़े हैं, मुझे जानते हैं, जो कुछ दोस्त नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा परिचय अपना करा दूं मैं। उसके साथ सेकंड, मैं अपने जीवन के करियर की शुरुआत भारतीय सेना की नौकरी से, मैंने जिंदगी में करियर की शुरुआत किया था। 5 वर्ष मैंने भारतीय सेना में नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्पोर्ट्स लाइन से रहा और गेम के माध्यम से एक अच्छा मौका जीवन में, स्पोर्ट्स के माध्यम से आर्मी टीम तक रहने का सौभाग्य मौका प्राप्त हुआ। उसके बाद कुछ मिसहैपनिंग, कुछ घटनाएं घटी। एक इंसान के जीवन में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे मौके, बहुत सारे चांसेस आते हैं जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। और उन्हीं के बीच में नौकरी के साथ साथ मुझे फिर जीवन के अंदर एक मौका मिला, सौभाग्य मिला और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने का मौका मिला। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिस बिजनेस के बारे में डे वन मुझे एक बात बताई गई, समझाई गई और जिस बात से प्रेरित होकर के मैं इस इंडस्ट्री में आया, और शायद नेटवर्क मार्केटिंग की वही खूबी आप सभी दोस्तों को भी लगी थी और मन को भाई थी जब इस इंडस्ट्री में आए थे, जब बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है जहाँ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे और लोग बड़े बनेंगे, आपको बड़ा बनने का मौका मिलेगा, और जहाँ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और एक अच्छी इज्जत, अच्छा स्टेटस समाज में एक इंसान को मिलता है। एक दुनिया में एक इंसान जिंदगी में मेंटली फ्रीडम के साथ और टाइम फ्रीडम के साथ जीवन में अपना व्यवसाय करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। हर किसी व्यक्ति की ऐसी दिली खुशी, दिली तमन्ना होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कोई किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकता, कोई किसी का गुलाम नहीं है, आदमी स्वतंत्र है अपने जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए। अगर उसका व्यवहार अच्छा है, अगर उसका कार्यशैली अगर अच्छी है, अगर वो खुद पे काम करता है, अपनी आदतों को, अपने नेचर को अगर चेंज करता है तो लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं और कारोबार बनता चला जाता है और एक इंसान जिंदगी में कामयाबी के सफर पे आसानी से चलते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। दोस्तों, उस मालिक की कृपा से इन अच्छाइयों को जानते हुए मैं इस इंडस्ट्री में आया। इस इंडस्ट्री में आकर के मैंने एक जीवन की शुरुआत किया, मालिक की मेहरबानी से बहुत अच्छी शुरुआत मेरे जीवन की रही, बहुत अच्छा मैंने पैसा भी कमाया, पहचान भी पाया और एक जिंदगी की शुरुआत किया। और मुझे एक बात जानने को, सुनने को मिला, सीखने को कि एक इंसान जब जिंदगी में शुरुआत करता है तो मुझे एक सिंगल माइंड के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जब ट्रेनिंग मुझे सुनने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, मेरी पहली शुरुआत इस कंपनी से, संस्था से रही जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, सिक्योर लाइफ कंपनी,
मुझे एक बात जानने को मिली कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो पहले सिंगल माइंड अपने आप को माइंड सेट करना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, सिंगल माइंड का अर्थ है अपनी लाइन चुनना। अमिताभ बच्चन साहब ने एक्टिंग को चुना, एक्टिंग आज भी कर रहे हैं जब उम्र उनकी 80 वर्ष की हो गई है, और पहले भी एक्टिंग करते थे, और जब उनको लगातार 5 से 12 फिल्में जब लगातार कंटिन्यूसली आई थिंक 12-15 फिल्में उनकी फ्लॉप रही, तब भी एक्टिंग ही कर रहे थे। जब लगातार उनको फ्लॉप फिल्मों का और फेलियरिटी का सामना करना पड़ा, असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने एक्टिंग के स्तर को बेहतर बनाया। उन्होंने डायरेक्टर नया ढूंढा, नया डायरेक्टर, उन्होंने राइटर चेंज किया, लेकिन अपनी लाइन चेंज नहीं की। उसी प्रकार सचिन तेंदुलकर साहब या कोई भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है, उन्हें अपने जीवन में जब वो परफॉर्म करते हैं, कोशिश करते हैं, और जैसा चाहते हैं वैसा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता, और जब असफलता का सामना करना पड़ता है, तो किसी भी कामयाब इंसान ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी है। हाँ, स्पोर्ट्समैन ने अपना कोच अवश्य चेंज किया है, लेकिन लाइन चेंज नहीं की है। दोस्तों, कुछ लोग इंडस्ट्री में जब किसी भी प्लेयर को या किसी भी स्टार को या किसी भी टीम मेंबर को या नौकरी में किसी भी स्टाफ के सदस्य को अपनी जागीर समझते हैं, तब चीजें गलत होती है। सिंगल माइंड हमेशा रहना इंसान को, और हर इंसान ने जीवन में समय के साथ चीजें बदली हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिस इंसान की जीवन की शुरुआत गुड एक्सपीरियंस के साथ हुई हो, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हुई हो। हमेशा ही किसी इंसान के जीवन की शुरुआत हमेशा बैड एक्सपीरियंस के साथ ही हुई है। किसी व्यक्ति ने पहली बार साइकिल नहीं चलाया बिना गिरे, किसी व्यक्ति ने पहली बार पेन नहीं पकड़ा बिना गलती किए, और कोई इंसान जीवन में पहली बार एक जगह लग करके बिना गलती किए फर्स्ट टाइम में के कामयाब नहीं हुआ। बैड एक्सपीरियंसेस को एक इंसान हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस में तब्दील करना चाहता है, क्योंकि बैड एक्सपीरियंसेस से जिंदगी में पैसा, पहचान, सम्मान नहीं मिलता। तो बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस में तब्दील करने के लिए कुछ टेक्निक का उपयोग किया जाता है, लोगों ने किया, और वो टेक्निक ही थी कि अमिताभ बच्चन साहब ने डायरेक्टर और स्क्रिप्ट को चेंज किया। जब सही स्क्रिप्ट और सही डायरेक्शन एक साथ जब मिला, तो इंडस्ट्री का, मैं कहना चाहूँगा, एक फेलियर कलाकार बोला गया था जिसको आकाशवाणी रिजेक्ट किया था, डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया था, हीरोइन ने भी रिजेक्ट कर दिया था बहुत बारी। तो एक फेलियर कलाकार को सही डायरेक्शन और सही स्क्रिप्ट मिलने के बावजूद वो इस सदी के महानायक बन पाए। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप आते हैं, तो पहली शुरुआत किसी के गुड एक्सपीरियंस से नहीं हुई है। और जब एक इंसान लेकिन जब जीवन में कहीं भी आकर कामयाब हो जाता है, तो वह इंसान जो उसके साथ हुआ, जो उसने खुद ने फैसले किए, उसे भूल जाता है। अपने वक्त को इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है कि जीवन में क्या था और कहां से शुरू हुआ था, जिन लोगों ने उसका साथ दिया। जब वो कुछ नहीं था तब कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। जब इंसान बहुत कुछ बन जाता है तो अपने आप को खुदा समझने लग जाता है। और फिर कुछ लोग आने के बाद सिंगल माइंड का था लाइन चेंज नहीं करने का, लेकिन लाइन चेंज नहीं की। जब एक विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करता है और पढ़ाई से फिर जॉब की तरफ जाता है, तो जीवन में हर एक व्यक्ति जब एक जॉब के लिए ट्राई करता है, जैसे मैं आर्मी से रहा हूँ, तो जब सिपाही रैंक से भर्ती होता, तो सिपाही रैंक से ज्वाइन होने के बाद मेरे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पढ़ाई करते करते सिपाही रैंक से भर्ती के साथ जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते करते अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और ओवर रैंक से ऑफिसर रैंक टेस्ट भी क्वालिफाई करके वो अपग्रेड भी हो जाते हैं। तो उसे चेंज करना, उसे मैं कहना चाहूँगा कि उसने अपनी लाइन चेंज नहीं की। हाँ, उसने अपना पोजीशन जरूर चेंज किया है। कुछ लोग जब जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम आए, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब इंसान शुरुआत करता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंसान का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है 4 चीजों पर: कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, और सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण बात है कोच। किस व्यक्ति विशेष के साथ अपने अपना जीवन, अपना करियर लगाया है। तो बहुत सारी नीतियां कंपनीज में होती हैं। सिस्टम जब शुरू होता है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी बातें कंपनियां सिस्टम करता है। समय के साथ जब सिस्टम कंपनी बड़ी बनती है, तो
जिनको नियम इथिक्स बोलते हैं, बाद में कुछ लोग उन्हीं नियम इथिक्स को चलने के बावजूद अपने आप को दादागिरी चलाने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कंपनी प्रोडक्ट और प्लान के साथ महत्वपूर्ण बात है कोच। और बहुत बार जब इंसान स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में पढ़ाई के बाद में जो स्कूल टीचर है वो अच्छा टीचर है, लेकिन फिर भी किसी किसी का तरीका किसी को समझ में नहीं आता है, तो घर में आके बच्चा ट्यूशन भी लगवाता है। तो बदलाव हर व्यक्ति का नियम है जीवन में, हर जगह सक्सेस का नियम है। बदलाव होता है, बैड एक्सपीरियंस को गुड में कन्वर्ट करना होता है। आज तक सिस्टम में चलने के बावजूद आप चुनिए अपने उस कोच को जिसके साथ आप जीवन अपना करियर लगाने वाले हैं। और जब चीजें बदलती हैं तो इंसान को डिसीजन लेना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन में जब मैंने पहली बार शुरुआत की फर्स्ट कंपनी सिक्योर लाइफ के माध्यम से, तो जिन्होंने मैं किस ग्रुप में था उनके भी शुरुआत सिक्योर लाइफ से हुई थी। हर किसी ने फिर जिस सिस्टम को सीखा, जहां से सीखा, जहां से मंच पे खड़ा होना, जहां से माइक पकड़ना, जहां से बात करना सीखा, अगर जगह चेंज करनी गलत है तो फिर सारे के सारे गलत हैं। सभी ने तो चेंज किया, लेकिन लाइन तो चेंज नहीं किया ना सिंगल माइंड से। उसके बाद फिर मैंने एक सिस्टम में काम किया स्लीपियस, और मैंने काम ही नहीं किया। मगर ये कहूं, आप लोगों ने शायद ज्वाइन किया होगा दोस्तों, अगर मैं अगर ये कहूं मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने सिस्टम को बनाया, यह बात गलत नहीं होगी। और इस बात को एक एक व्यक्ति जानता है। भले आप आज मार्केट में किसी भी कारण मजबूरी से कुछ गलत पर ना पड़े, अपने अंदर झांक करके देखिएगा, आप सब इस बात को जानते हैं कि आप सभी के साथ जमीनी स्तर पर दिन रात मेहनत करके सिस्टम को बनाया है, और सिस्टम को बनाया था, साथ में मेहनत, साथ में काम किया था। इंसान इस दुनिया में किसी को भी झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकता। आप अपने आंखों में आंख मिला करके शीशे में देख करके बात कीजिए कि सही मायने में आप सभी के साथ में शुरुआत घर घर और गांव गांव गली गली दिन रात साथ में मिलकर किए कि नहीं किए। और फिर बहुत सारी वजह रही, बहुत सारे कारण रहे। अगर सिस्टम अच्छा ईमानदार है और अगर मेरे में गलती कमियां रही, तो मैंने हमेशा एक बात बोली, किसी दिन सामने बैठे और साबित करें हम गलत हैं। और जब भी बैठे पूरे सिस्टम को लेकर के बैठे और यह बात कहते, मेरे को 10 महीने इंतजार मैंने किया, मैंने कहा अगर हम गलत हैं तो पूरे सिस्टम, पूरी कंपनी के डायमंड रैंक एंड अबाउट लीडर्स को एक साथ लेकर के साथ में बैठिए और मीटिंग को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे लाइव कीजिए। अगर हम गलत हैं तो गलत साबित कीजिए, गलती मानेंगे, और गलत अगर नहीं है तो जिंदगी में 100 करोड़ का भी लात मारेंगे, झुकेंगे नहीं। जिंदगी में गलत ना कभी सहन किया था और ना कभी करेंगे, ना गलत थे और ना गलत हैं, मेहनत की थी और मेहनत का हक जो बनता है उसके हकदार हैं, हक लेंगे या नहीं तो दोबारा बनाएंगे इंडिया, दुनिया अपनी, लेकिन अपना हक है, जिस हक के हम हकदार हैं मेहनत के, वो हक तो हमारा बनता है, लेंगे भाइयों। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं। मैं आज तक कभी किसी व्यक्ति के लिए गलत ना बोला हूं, और मालिक की मेहरबानी रहे कि कभी गलत बोलना भी ना पड़े। हाँ, मुझे किसी के लिए गलत बुरा गंदा बोलना पड़े, मैं भी हर किसी के लिए गलत गंदा बोल भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, क्योंकि मैं भी सबके साथ में रहा हूँ, तो सबके अंदर के बाहर की बात सब मैं भी जानता हूँ। लेकिन अपने अपने संस्कार होते हैं। कोई किसी दो प्रकार की बात स्कूल में मास्टर जी ने बताई थी, दो लाइन खींच करके एक लाइन को बड़ा करना होता है, अपने अपने संस्कार हैं। एक संस्कार लाइन मिटा के अपनी लाइन को बड़ी कर सकता है, दूसरा संस्कार है लाइन को बढ़ा के लाइन को बड़ा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि लाइन को बढ़ाने के लिए दो कार्य करने पड़ेंगे। जहां तक लाइन लेकर के जानी है वहां तक फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले, जो बड़ा मुश्किल होता है। फोकस्ड रहना बड़ा मुश्किल होता है। जब इंसान का माइंड जगह जगह घूमता हो, यहां से भी लूट लो, यहां से भी छांट लो, यहां से भी खींच लो, उसका भी खा लूं, इसका भी खा लूं, और जब रात में भी पी लूं और दिन में भी पी के डूल लूं, तो जब व्यक्ति का इस प्रकार की नियत होती है तो एक जगह फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है। फोकस के साथ साथ बोर्ड पे चौक को लेते हुए, लाइन को खींचते हुए हाथ की एक्टिविटी, मूवमेंट भी करनी पड़ती है।
तो मुश्किल लगता है, इसलिए लाइन को मिटा के अपनी लाइन को बड़ा करना थोड़ा आसान लगता है। तो बड़ा इजी होता है किसी व्यक्ति के लिए गलत बोलना, उसके लिए गंदा बोल के अपने आप को बेहतर बनाना, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। अपनी मेहनत के स्तर को बढ़ाना, अपने हुनर को बढ़ाना, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना, जमीन स्तर पर सबके साथ रहना और सबके साथ चलना, इसमें बड़ी मुश्किलात आती है। नींद खोनी पड़ती है, आराम छोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जमीन स्तर पर आकर के आना पड़ता है, व्यवहार में शालीनता लानी पड़ती है, घमंड खत्म करना पड़ता है और मिलनसार इंसान को बनना पड़ता है। बड़ा मुश्किल है इन तमाम खूबियों को एक साथ लेकर के चलना, इसलिए लोग बड़ी आसानी से दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। किसी के बारे में चार बुराई करके खुद को बेहतर बनाने के लिए बुराई करने इजी होता है, लाइन मिटाने में जोर नहीं लगता। मिटाने वाली कला मेरे पास भी है। बुरा बोलना, गलत बोलना, गंदा बोलना मुझे भी आता है, लेकिन ये मेरे संस्कार में नहीं है, ना मेरे परिवार ने सिखाया। और दोस्तों ऐसा है कि संस्कार, आदमी को पास कार आ सकती है, बंगला आ सकता है, लेकिन संस्कार तो खानदान से ही आते हैं, और इसीलिए खानदान खानदान का फर्क होता है। तो संस्कार हैं, तो आप समझदार हैं सभी, आप सभी जानने वाले हैं। बस एक ही बात कहूंगा, मैं जीवन में सिंगल माइंड था, मैं जीवन में सिंगल माइंड हूं, और मैं जीवन में सिंगल माइंड के साथ ही काम करूंगा। सिंगल माइंड हूं, नेटवर्किंग की थी, नेटवर्कर था, नेटवर्कर हूं, और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नौकरी छोड़ के आया था, नेटवर्किंग ही कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों को रिश्ते खराब करने के लिए कुछ लोग दूसरे कंधे बंदूक रख के आगे कर देते हैं। कुछ महान लोग अपने लोगों को मोटिवेट प्रेरित कर देते हैं, जाओ लड़ो पीटो झगड़ो। भाइयों मार्केट में रहना है, सबके साथ सबके बीच रहना है, आपसे व्यवहार खराब नहीं करने का। एक ही बात मैं आपको सबको कहना चाहूंगा, अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ। टीम दादागिरी से नहीं, ड्रा के नहीं, धमका के नहीं, पैसे से नहीं। लोग रुकते हैं तो आपकी मेहनत से, लोग रुकते हैं, टीम रुकती है तो आपके हुनर से, और जब आप उनके साथ जमीन स्तर पर काम करते हैं तब जाके लोग साथ में रुकते हैं, ना कि लोग पैसे से रुकते हैं। कुछ लोग इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, स्टेज से बड़ी बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, स्टेज से बोलना और प्रैक्टिकल होना यह बड़ा अंतर होता है। स्टेज से बोलना बहुत मुश्किल नहीं होता, कोई भी बात कर लेता है, रात में चार डायलॉग याद करके किताब के चार लाइनें पढ़ के दो शायरी कोई भी सुना लिया करता है मेरे दोस्त। बोलने में होने में बड़ा अंतर होता है। तो कुछ लोग बोलते बड़े अच्छे इथिक्स की बात करते हैं, उसूलों की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, और जीवन में स्टेज से बड़े बड़े बात किसी का हक निकालते रखते नहीं है और सबका पैसा दबाते फिरते हैं। स्टेज से नियमों की बात करते, इथिक्स की बात करते हैं कि हम इथिक्स के साथ काम करते हैं, और सबसे बड़ी गंदगी मार्केट में फैला के बैठे होते हैं, हर किसी व्यक्ति को सेटिंग लेटिंग वेटिंग पैसा बांटते फिरते हैं। अच्छी बात है, मैं एक शुभारंभ जब मैंने किया था, मैंने एक बात बोली थी, मेरे हर एक साथी को, स्पेशली मैं कहूं जहां मैंने काम किया असली पीस के, हर एक साथी को आपको प्यार से दिल से मैं आपके साथ था, साथ हूं आपका दोस्तों हमेशा। कुरी भाई को कभी ना कभी थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब साथ था तब भी आपके साथ जमीन स्तर मेहनत करके आपके चेक और आपके रैंक अचीव कराए हैं, और जब साथ नहीं हूं तो जिनको कभी सिस्टम ने पूछा नहीं था, कभी आपके शहर में जो सील लीडर या सिस्टम मैनेजमेंट जो कभी सालों से आया नहीं था, मेरे दोस्तों ऊपर वाले को शुक्र अदा करो। और सेकंड कुरी भाई को भी याद कीजिएगा कि हमने जब कोई छोटा फैसला किया है तो बहुत सारे लोग जो इंसान से धनवान बने, धनवान से भगवान बन गए थे, मेरे दोस्त आजकल दोबारा इंसान बन गए हैं। जो घमंड में मैं आ गए थे, आजकल हम में घूमने शुरू हो गए हैं। और बहुत दोस्तों जिनको तीन तीन पांच पांच वर्षों से जिन महान महान व्यक्तियों को मैनेजमेंट को देखने और मिलने का मौका नहीं मिला था जिंदगी में, क्योंकि वो बदल चुके थे, आज वो आपके शहरों में आने लग गए हैं। मेरे भाइयों इसके पीछे भी वजह कहीं ना कहीं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त अनिल पुरी ही है। तो आज हम साथ नहीं है तब भी आपके भविष्य में, आपके बिजनेस में आपकी स्पीड और आपके रैंक अचीव करने और आपकी सक्सेस की वजह कहीं ना कहीं उसका हिस्सा भी आज भी हूं, और हमेशा आपकी उस जिंदगी में उस स्पीड का, उस तरक्की का हिस्सा हमेशा जिंदगी में रहूंगा। ये बात आप भी मन से जानते हैं, या आप भी जानते हैं। और आजकल बहुत ज्यादा स्पीड जो स्टेज से बातें बोली जाती थी, आजकल रियल मायने में थोड़ी बहुत होने लगी है,
जिन भाइयों की कार की EMI टूट रही थी उनको आजकल सिस्टम से EMI भी मिलने लग गई है। जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था आजकल उनको 2, 4, 5, 10 लाख रुपए में, आज कहते थे कभी जिंदगी में कि सब्जी मंडी लगती है, मेरे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक मंडी लगती है जिसमें लीडर खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं, और वो मंडी हिंदुस्तान में पिछले 8 महीने से देखने को मिल रही है। रातों रात लीडर बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, किसी को लेख दी जाती है, किसी को पैसा दिया जा रहा है, सरेआम बांटा जा रहा है, किसी को टूर दिया जा रहा है, किसी को लालच दिया जा रहा है। मैं लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में जो इंसान आपको आज लालच दे रहा है, आज पैसे देने की बात कर रहा है, आज एक साइड का बिजनेस देने की बात कर रहा है, आज आपको जमीन स्तर पे साथ देने की बात कर रहा है, आपको टीम देने की बात कर रहा है, अगर वाकई में आपका हितैषी था, अगर आपके साथ चलने वाला था, अगर आपका बढ़ाने वाला की जिंदगी सोच रखता था, तो मेरे दोस्तों पहले भी आप उसी हिस्सा सिस्टम के थे। अब से पहले भी आपको पैसे, जब बुरे वक्त आपका चल रहा था, आपको पहले भी पैसे दे सकता था, आपको नेटवर्क दे सकता था, आपको टीम दे सकता था, आज ही क्यों? आप समझदार अनुमान लगा लीजिए, ये मजबूरी है। और मजबूरी जीवन में एक खास बात है, समय और मजबूरी की, वो सदा एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है और मजबूरी भी निकल चली जाती है। तो आज मजबूरी है तो आपके शहरों में नहीं, आपके घरों में भी आएंगे, और मजबूरी हटेगी क्योंकि सदा नहीं रहने वाली, तो दोबारा जैसा आपके साथ पहला था वैसा दोबारा होने वाला है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि नेचर चेंज नहीं हुआ करते, इंसान की हैबिट चेंज हो जाया करती हैं इजीली, नेचर चेंज जल्दी से हो नहीं पाते हैं। सो एक दुनिया का बहुत ही खूबसूरत बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसे फ्रीडम एक इंसान के पास है। कुछ लोग आजकल लाइव आकर के डराने की कोशिश करते हैं, हकीकत में खुद डरे हुए हैं, डराने की कोशिश करते हैं कि हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। अरे आप खुद जिंदगी में कहां कहां से जगह छोड़ करके आए हैं, क्या आप खुद कहीं से जगह छोड़ करके नहीं आए हैं? जब आप जगह छोड़ करके आए तो नियम नहीं होने थे, तब ब्लैक लिस्ट नहीं किए गए। जब आप किसी दूसरी कंपनी के लोगों को पैसा देकर, लालच देकर, जब किसी दूसरे का परिवार तोड़ के अपना परिवार बढ़ाने में लगे हुए थे, तब नियम कहां चले गए थे, तब रूल कहां चले गए थे? जब खुद का परिवार टूटना शुरू हुआ है, जब खुद का बिजनेस टूटना शुरू हुआ है, जब खुद की टीम टूटनी शुरू हुई है, तो आकर के बड़े बड़े नियमों की बात कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, राज है क्या, तानाशाही है क्या जिंदगी में? ध्यान नहीं देना, ऐसे लालची लोगों को बायकॉट करें। और अभी हम लोग तो एक रूल ला रहे हैं DCI में कि जो भी लोग बड़े बड़े लीडर्स इधर उधर स्विच होते हैं उनको हम ब्लैक लिस्टेड करने वाले। अरे वाह। और ब्लैक लिस्टेड करने के बाद हम अपनी वेबसाइटों पर डाल देंगे, वो हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनी उनमें कहीं भी जीवन में ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर नेटवर्क ऑफ फ्रीडम नहीं था, फ्री है, गुलाम नहीं है किसी का जिंदगी में। अगर सही सहयोग मिलेगा, सही साथ मिलेगा, सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही प्रोडक्ट मिलेगा, सही प्लान मिलेगा, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। इंसान पूरी जिंदगी साथ छोड़ करके नहीं जाएगा। अगर साथ नहीं दिया जाएगा, अगर पैसा नहीं दोगे समय पे, अगर पैसा लेट करोगे, अगर सही प्रोडक्ट आपको नहीं दोगे, अगर दादागिरी दिखाओगे, तो गुलाम नहीं है। लोग टेबल ठोक के छोड़ करके जाएंगे और झंडा गाड़ के काम करके दिखाएंगे। मेरे दोस्तों कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी दुनिया बना के बैठे, तानाशाही है क्या जिंदगी के अंदर? लोकतंत्र है, हर इंसान आजाद है और हर इंसान फ्रीडम में है। उसको जहां अच्छा लगेगा इंसान वहां काम करेगा, और किसी के माइक लाने में दम ही तो रोक के दिखाए और रोक पाए ना, को रोक पाया था ना को रोक पाएगा। लोग डर से नहीं, लोग व्यवहार से रुकते हैं, लोग पैसे से नहीं, लोग प्यार से जुड़ते हैं मेरे दोस्त। तो आज जो पैसे बांटते फिर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी गंदी, सबसे घटिया जो गंदी हरकत मैं कहना चाहूं, सबसे ज्यादा जो गंद खाना मचाया है, जो स्टेज से बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो गंद खाना मार्केट मचा के रखा है, इतनी प्यारी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग थी, जहां लोग रिश्ते बनाने का बिजनेस था, आज रिश्ते खराब कराने की कोशिश में लगे पड़े हैं, कंपनियों को खराब करने के, एक दूसरे विरोध में खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। मेरे दोस्तों जीवन में जो बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं, बड़े इथिक्स की बात करते हैं, वही सबसे बड़े कांड करके बैठते हैं, वही सबसे बड़े कांड करते हैं। अपने अपने कार्य फोकस कीजिए, बिजनेस फोकस कीजिए। और एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आप किसी भी सिस्टम में हैं, आप किसी भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, आप दिल से काम करो, ईमानदारी से काम करो। ये हकीकत है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक आम आदमी के लिए बहुत बेहतरीन मौका है जिंदगी में बड़ा पैसा, बड़ी पहचान बनाने का। लेकिन जैसे ही पैसा आए, पहचान मिले, तो मत भूलिएगा कि आप जीवन में क्या थे और कहां से शुरू हुए थे, कहां से चले थे। आप लोगों से बड़े बने हैं, आप लोगों से बड़े बने रहेंगे,
तो लोगों से दूर ना होइए, उनके साथ रहिए, उनके साथ चलिए, जैसे थे वैसे रह करके, वैसे व्यवहार से रह करके, जैसे थे वैसे रिश्ते बनाते हुए जिंदगी में कामयाब बनिए। पैसा आने के बाद आपके रिश्ते वही रहेंगे जो पहले थे। रिश्ते खत्म मत कीजिए, रिश्ते खत्म करने का नहीं, नेटवर्किंग बिजनेस रिश्ते जोड़ने का बिजनेस है। दोस्तों आज बड़ी अच्छी खुशी की बात है, आप सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से लगातार इंडस्ट्री में, मार्केट में प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, और कहने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ भी कहने की जरूरत ना पहले थे ना आज है। हमने मेहनत पहले भी की, आज भी कर रहे हैं, और जब जब हमने मेहनत की, जब जब इंसान ने मेहनत की है ईमानदारी के साथ, तब तब इंसान को मालिक ने कामयाबी दी है। अगर सच्ची ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ इंसान अगर मेहनत करता है, तो मेरे दोस्तों जब सच्ची भावना से, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने भी अगर उस ऊपर मालिक परमपिता परमेश्वर की भक्ति अगर की है, तो सच्ची श्रद्धा के साथ अगर किसी ने भक्ति भी की है ना, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति ने, उसको भी मालिक ने, परमपिता परमेश्वर ने आकर के वरदान दिया है। हम तो इंसान हैं, राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है। जब ईमानदारी के साथ मेहनत की थी, पहले भी वरदान पाया था रहे हैं, और लगातार उस मालिक का प्रमाण परिणाम लगातार मिलता जा रहा है। मेरे सभी साथी जो मेरे साथ में आए हैं, ये उस मालिक की मेहरबानी है, और हमारी और आपकी ईमानदारी की शिद्दत से मेहनत है, जिसका परिणाम मिल रहा है कि जो लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर सात सात पांच पांच वर्षों में उपलब्धि हासिल की थी, वो आज वो उपलब्धियां, वो रैंक, वो अचीवमेंट, वो पैसा, वो सम्मान आज मात्र 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने प्राप्त होती जा रही है। और ऐसा ही आगे भी हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, और जब ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे, तो ऐसे ही ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर मालिक ऐसे ही आगे भी हम पे कृपा बरसाए रखेगा, और ऐसे ही लगातार कामयाबियां और अचीवर हम लगातार निकालते रहेंगे दोस्तों। और जितने मेरे दोस्तों को आपको बात सुनी है, आपको बात सुनाई जाती है, आप अपनी जगह सही है दोस्तों, काम कीजिए। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जीवन में, एक तरफ की किसी की बात सुनकर के मत विश्वास कीजिएगा, बिलीव कीजिएगा, अगर हकीकत को जानना है। कहता है आपका करियर है, एक बार मिलकर के हकीकत को जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको सही लगते हैं तो साथ दीजिएगा, नहीं लगते हैं तो मेरे भाई ठुकरा दीजिएगा। पर एक बात फिर कहूंगा, मुलाकात जरूर कीजिएगा, रिलेशन खराब कभी मत कीजिएगा, काम अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है, हमेशा साथ। तो दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने एक बात बोली थी कि अनिल कुरी अगर सिस्टम छोड़कर गया तो उसके हाथ कौन गया है, बड़ा व्यक्ति बड़ा लीडर तो कोई नहीं गया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने बड़े हमारे साथी हैं, जो बड़े रैंक अचीवर हैं, ये पहले भी मेरे मित्र मेरे भाई बंधु थे, आज भी मेरे मित्र मेरे भाई बंधु हैं, हमेशा आप लोगों से व्यवहार था, है और रहेगा। ना मैंने कभी किसी के लिए गलत बोला, ना कभी जीवन किसी के लिए गलत बोलूंगा। मालिक की कृपा से गलत बोलने की आवश्यकता ना पड़ी है, और शायद कभी जिंदगी में पड़ेगी भी नहीं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपसे व्यवहार खराब ना हो, किसी के लिए बुरा ना बोलना पड़े, काम काम के तरीके से उत्तर कर रहे हैं। तो पहले भी जो अपने निजी मित्र हैं, साथी हैं, बड़े रैंक हों चाहे भले, वो पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। पर वक्त होता है, हर चीज का, हर कार्य का अपना एक समय होता है, और समय पर ही जब चीज होती है तो ही अच्छी लगती है, समय से पहले अच्छी नहीं लगती। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मेरी बात मुलाकात रेगुलर शुरू से है, साथ थे, वादा दिया और आज भी हैं। मैंने कहा था थोड़ा वक्त दो, मैं धीरे धीरे आप सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लूँ, ग्राउंड तैयार कर लूँ। जैसे ग्राउंड तैयार होगा, क्योंकि जितना जितना हैवी, जितनी बड़ी जहाज होती है, उतना ही उसके लिए लैंडिंग के लिए उसको बड़ा ट्रैक चाहिए होता है, मजबूत ट्रैक चाहिए होता है। हेलीकॉप्टर है तो हम स्टैंडिंग में 90 डिग्री में उसकी लैंडिंग करा सकते हैं, लेकिन बड़ा जहाज है तो उसको रनवे बड़ा चाहिए। तो मेरे बहुत सारे साथी, मेरे बहुत सारे दोस्त जो व्यवहार से अपने साथ में थे और अपने को जानते थे, जानते हैं, तो सभी के मैंने बात कही थी कि धीरे धीरे रनवे तैयार करूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आइए। तो पिछले 8 महीने से लग करके मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ रनवे तैयार किया है, क्योंकि सेटिंग बाजी की नहीं, गंदगी की नहीं, ईमानदारी की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और ईमानदारी की नेटवर्क मार्केटिंग की थी, और ईमानदारी की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसे से नहीं, अपने हुनर से,
अपनी मेहनत से और साथ देने के वायदे से लोगों को जोड़ रहे हैं, आएंगे जुड़ेंगे। 22-23 रनवे तैयार हुआ है और जैसे जैसे रनवे तैयार हो रहा है वैसे वैसे मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र, मेरे भाई बंधु मेरे साथ में आहिस्ता आहिस्ता लैंडिंग करते जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कुछ समय पहले गुजरात से नरसिंह चौधरी सर ने जस्ट रनवे पे लैंडिंग किया है और एक बहुत अच्छी शानदार शुरुआत किया है। उससे पहले इमरान सर ने लैंडिंग किया, शब्बीर सर ने शुरुआत किया, लैंडिंग किया, और ऐसी ही एक शानदार और एक जानदार पर्सनैलिटी आज आप सबके बीच में उस रनवे पे लैंडिंग करने जा रहे हैं। और दोस्तों एक कमाल की बात यह है कि जब भी किसी मित्र ने साथ शुरुआत किया और डिसीजन लिया, पता नहीं क्यों उसके पीछे उसके बारे में चर्चाएं गलत बोलनी शुरू हो जाती है। 7 साल हम भी बड़े अच्छे थे, छोटे थे, प्यारे थे, स्मार्ट से हीरो थे, जैसे जिंदगी अपनी हक की बात रख दी, सही को सही बोल दिया, तो कहीं करेक्टर की बातें बोलनी शुरू कर दी कि लालच की बातें बोलनी शुरू कर दी। बोलने को मैं बोल सकता हूँ और बोल ही नहीं सकता, मैं बहुत कुछ खोल सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना मेरे संस्कार में नहीं है और शायद ज़रूरत भी नहीं है। मेहनत का धनी हूँ, आगे भी करूँगा। इसी प्रकार जो दो लीडर आया उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। एनसी चौधरी आया तो उस भाई के बारे में भी बोलना शुरू कर दिया, गंदा था, लालची था, बेकार था, फलाना था, ढिमकाना था, करेक्टर की बात करना शुरू कर दिया। अल्लाह कर ये सारे व्यक्ति अगर आप जाने के बाद आप उनके बारे में बताते हो करेक्टर खराब था, गंदा था, लालची था, तो सबसे बड़े गंदे तो फिर आप ही हुए, सबसे घटिया तो फिर आप खुद हुए, क्योंकि आप अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए आप गंदे लोगों को अपने साथ में रखे हुए थे। अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए आप घटिया लालची लोगों को आप स्टेज से हीरो बना करके प्रचार करते थे, बहुत बढ़िया हीरो, स्मार्ट, मेरा लीडर है, तो फिर गलत कौन हुआ? गलत को गलत ना बोलने वाला गलत होता उससे भी बड़ा। जाने वाला व्यक्ति आपसे गंदा हो गया, चरित्रहीन हो गया, जाने वाला व्यक्ति लालची हो गया, बेकार हो गया, और वही व्यक्ति जो आपके साथ 5-7 साल से था तो तब नहीं पहचान थी आपको कि गंदा और घटिया है, तो पहचान तो आपको तब भी थी। सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों, जाने के बाद ही क्यों कमियां दिखती हैं? कमियां इंसान से पहले से होंगी, तो पहले वो बड़ा अच्छा था, बड़ा हीरो था। और मैं कहना चाहूंगा हर उस सीनियर लीडर को जिसकी भी टीम से कोई व्यक्ति आया है, उस सीनियर लीडर को कहना चाहूंगा आज अपनी टीम को उस लीडर के बारे में चार गंदी बात बोल के, उसके बारे में चार बुराई करके आप टीम रोकना चाहते हो, शर्म करो थोड़ी सी कि आज इस रैंक पे आज आप बैठे हो, उस लीडर ने कभी जिंदगी में दिन रात मेहनत करके आपका भी रैंक बनवाया है, तब तो बड़ा अच्छा लगता था वो। क्या एक रात में कोई इंसान गंदा हो जाएगा? क्या एक ही रात में कोई इंसान लालची हो जाएगा? क्या एक ही रात में कोई व्यक्ति करेक्टरलेस हो जाएगा? क्या एक ही रात में कोई व्यक्ति गंदा बोलने वाला हो जाएगा? मैं दोस्तों अपने आप को चेंज करो, सुधारो, किसी के लिए बुरा बोलने से बेहतर है। और ऐसे ही एक बड़ा कमाल का नजारा, बड़े कमाल की बात मुझे सुनने को मिली जब अभी जस्ट एक हमारे साथी, हमारे मित्र ने सही का साथ दिया, पिछले कई महीनों से अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जब हक तो दिया नहीं गया, उल्टा टीम उड़ाने की प्लानिंग कर दी गई, साजिश कर दी गई, पैसे दे दिए गए, पैसे से लोग खरीदे गए, और जैसे उसने डिसीजन लिया तो फिर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज अपने अपने हेलीकॉप्टर लेकर के चार पार वाले पैर वाले जीव की तरह ऐसे जीव लटकाते हुए लहराते हुए जीव और भागे भागे फिर रहे हैं। दिन में सोने लग गए थे, भागना छोड़ गए थे, फील करना छोड़ गए थे, आज भाग रहे कदे की तरह काम करता हुआ, और वो चार पैर वाले जीव की तरह जीव लटकाते हुए जगह जगह आज यहां, आज इस शहर में, कल उस शहर में, पता नहीं कहां कहां से खून आना शुरू हो गया, भगवान जाने। जिंदगी बड़े आराम की चल रही थी और आराम से जीवन जीते सम्मान के साथ, चंद पैसों के चक्कर में जिंदगी अपनी पूरा अपना शरीर खराब करके बैठे, छाती में लेके जाओगे इस पैसे को, खा के मरोगे पैसे को, हजारों करोड़ रुपए कमा लोगे तो कहां जाओगे जिंदगी में, चार कंधे पे जाना है, लेकिन इस पैसे के चक्कर में चार कंधे पे समय से पहले जाओगे। भगवान देखता है और जो देता है ना वो यहीं से निकाल लेता है, कलयुग है, हिसाब किताब ऑन द स्पॉट यहीं हो जाता है, अगले जन्म की आवश्यकता नहीं है, नहीं पता कहां कहां से निकलेगा, क्योंकि जब कहते हैं ना किसी इंसान की जब हाई लगती है ना, जिसने मेहनत ईमानदारी से की होती है,
हाय जब लगती है कहते हैं इंसान की हाय पत्थरे फाड़ देती है, इंसान की तौकातें क्या है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को हो रहा है, कैसे कैसे लोग बात बोलना शुरू कर देते हैं। तो सोभा नहीं देता, सही है, और जैसे ही व्यक्ति जाता है तुम करेक्टर की बातें उड़ाते हो। अरे करेक्टर की बात वो करे जिनके खुद के कच्चे ठिकाने बसे हों जिंदगी में, जिनके खुद के कच्चे हफ्ते में तीन दिन तीन रात उतरे हैं, वो दूसरों के करेक्टर की बात ना करें। तो कृपा करके मेहनत करें, गलत बात करके धंधा ना बचाएं, अपना बिजनेस को बनाएं। और हम तो बनाने में लगे हैं, तुम बताने में इतना गंदा बोल रहे हो, थोड़ी सी शर्म करें, किसी परिवार से हो ठीक है और किसी संस्कार से है, अगर संस्कार है तो कृपया करके समझे। तो एक ही बात कहूंगा सभी दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और अभी साउथ और नॉर्थ सारा मारा है, कुछ लोगों ने नहीं बोलूंगा, कुछ मैनेजमेंट ने मेरे कुछ खास करीबी दोस्तों को एक बात बोला, बात उन्हें बोलने को मिली नहीं रोकने के लिए, एक बात बोला कि कुरी किस कंपनी में गया है। कंपनी का डायरेक्टर तो एमडी तो मुस्लिम है, अफसर अहमद हिंदुस्तानी जी। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात बोलते हैं कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में ना ऑनलाइन और ना फॉर्म में कॉलम नहीं है किसी धर्म और किसी जाति का, तो डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, जब इस प्रकार के घटिया शब्दों का उपयोग करके आप जातिवाद की मुद्दा बना करके आप लोग रोकना चाहें। तो एक बात कहना चाहूंगा सभी भाइयों को, अगर इतने ही पक्के आप उसूल के हैं और ईमान के हैं और आपके फिक्स हैं, तो तब मानते जब आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के लोग रोकने चाह रहे थे, तब मानते जब आपने सिस्टम में आप किसी मुस्लिम भाई की आईडी लगाने से ब्लॉक कर देते और उससे पैसा आता हुआ ना लेते। जब आता है तो कोई धर्म और जाति नहीं, लेकिन जब कोई बंदा जाता है तो जाति और धर्म की बात करते हो यार, फिर बोलते हैं स्टेज पर बड़ी बड़ी बात। और आज जब कंट्रोल नहीं हुआ तो आज अपने उन लोगों को, आज उन भाइयों को रोकने के लिए आज कंपनी का नाम चेंज कर दिया, ये फिर अल्लाह बना दिया कंपनी, डब्ल्यू फॉर वाई ग्रुप बना दी कंपनी, वाह रे वाह, तो रजिस्टर करा लो ना सेम नाम से। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, परमात्मा भगवान अल्लाह गॉड भाई गुरु। अरे वैसे भी अपनी कंपनी का नाम बताऊं मालूम है क्या है भाई, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AWPL है ना, तो ए फॉर अल्लाह, डब्ल्यू फॉर भाई गुरु, पी फॉर परमात्मा और एल फॉर लॉर्ड। कमाल की बात है, कमाल के लोग हैं, क्या क्या बात है, क्या क्या शब्द बोलते हैं, क्या ही बोल लू बस, इससे आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ना साउथ की है ना नॉर्थ की है, कंपनी हिंदुस्तान की है और आप सब की है। तो आइए दोस्तों सब मिलकर के करते हैं शुरुआत और मिलकर के एक शानदार जमीन स्तर से काम करके खिलकोड़ ब्रेक करते हैं। और मैं फिर एक बात बोलूंगा, हम बदले की भावना से नहीं,